मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMS News। शिवसेना सांसद संजय राउत अक्सर अपने संपादकीय अखबार सामना में केंद्र सरकार पर तंज कसते रहते हैं। इस बार भी ज्यादा सुर्खियां ना बटोर पाने की वजह से संजय राउत ने शिवसेना मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार को किसान आंदोलन का हवाला देते हुए घेरा है। इस बार राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा है कि शासकों ने देशभक्ति की नई वैक्सीन लोगों को लगा दी है। अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राउत ने लिखा कि देशभक्ति का उदय साल 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले लोग जानते ही नहीं थे कि देशभक्ति क्या होती है। इस समय देश में प्रचार का, विकास का, विचार का मुद्दा यही देशभक्ति बन गई है। स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो गए वे भी इस युग में देशभक्त नहीं होंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं केवल वही देशभक्त हैं। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन के आलोचना करने वाले और उनके खिलाफ बोलने वाले भी या तो देशभक्त नहीं थे या वे क्रांति के देश के शत्रु ठहराए गए। वही किसान आंदोलन को लेकर शिकंजा कसते हुए राउत ने कहा कि पंजाब की सीमा पर किसान ठंडी हवाओं के बीच भी खड़ा है। इस आंदोलन में अब तक 57 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसने संवेदना का एक शब्द तक नहीं बोला। ऐसी मानवता रहित सरकार किस शाही श्रेणी में आती है? देखिए, वैसे तो इस बात से कोई अनजान नहीं है कि संजय राउत किस किस्म के बड़बोले इंसान है और उन्होंने बड़बोलेपन की कितनी हदें पार कर रखी हैं, जिसके बाद ये काफी दिलचस्प है कि अपनी बोली हुई बातों पर उन्हें पछतावा भी होता है और वो अपनी बातों से पलट भी जाते हैं और माफी भी मांगते हैं। लेकिन इस बार अपने इस संपादकीय में उन्होंने केंद्र सरकार पर बैठे सत्ता पक्ष भाजपा की तुलना इतिहास में हमारे देश पर अत्याचार करने वाले से की है। ऐसे में इतना तो पक्का है कि बीजेपी उनके इस बयान को खाली नहीं जाने देगी, क्योंकि जब भी उन्होंने इस तरह की बयानबाजियां की हैं, उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। इस बार भी ये मुंहतोड़ जवाब कब और किस लहजे में मिलने वाला है, इसका इंतजार रहेगा। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।